नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज राव, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूजर्स के लिए, या कहते हो जनलक्ष्मी बैंक यूजर्स के लिए। दोस्तों अगर आप भी जो है जनलक्ष्मी से कोई लोन लिए हैं और उसे जो है उसका ईएमआई जो है फर्स्ट ईएमआई सेकंड ईएमआई जो है अपने फ़ोन पे से पे करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इस वीडियो में जो तरीका बताने वाला वह है फ़ोन पे से किस तरह से आप पे कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम से जाना चाहते हैं, गूगल पे से जाना चाहते हैं, तो उस पर पहले ही मैंने पर्टिकुलर वीडियोज़ बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है फोन पे एप्लीकेशन यहाँ ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप फोन पे ऐप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर होम पेज में आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल्स के अंदर में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा लोन रीपेमेंट। सिंपली इसके ऊपर में आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसके ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो भी मतलब फाइनेंस कंपनी है, जैसे कि आप उज्जीवन होगा या जनलक्ष्मी होगा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर जो भी चोलामंडलम वगैरह जो भी है ना, तो वो आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना। अगर सेलेक्ट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आप ऊपर में चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर JANA, या जैसे सर्च किया मैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर आ गया। सिंपली इसके ऊपर मैं जो है क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर आने के बाद, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है लोन अकाउंट नंबर। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो यह आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो लोन प्रोवाइड किया गया होगा तो वहाँ पर एक फॉर्म दिया होगा, उसमें जो है लोन अकाउंट नंबर दिया होगा, या फिर शेड्यूल आपको मिला होगा उसमें भी जो है लोन अकाउंट नंबर होता है, उसे आपको यहाँ पर जो है इंटर करना है। तो यहाँ पर उसे जो है आपको इंटर कर लेना। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इंटर कर लिया। अगर एक अंक भी इसमें अगर कम होता है तो यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आपको नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मैं 6 डाल लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर जो सही डाला तो यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आ गया। अब करना है कंफर्म के ऊपर में आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर में क्लिक करेंगे तो जिसके नाम से यह लोन जो है आपको मिला होगा उसका नाम यहां दे देगा। जैसे देख सकते हैं कस्टमर नेम यहां पर दे दिया और ईएमआई अमाउंट यहां पर जो है दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ईएमआई अमाउंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है 103,205 रुपया दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको इसे मिटा कर जो है यहाँ पर 5,560 कर देना है। जो भी आपका ईएमआई है वो यहाँ पर आपको जो है इंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका बैंक अकाउंट पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो है SBI है, तो मैं SBI को यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद पे के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप पे के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपसे आपका UPI पिन पूछेगा, जो भी आपका होगा। तो मेरा SBI का है, तो यहाँ पर 6 अंक का मुझसे जो है UPI पिन पूछ रहा है। अगर आपका अदर होगा तो 4 अंक का पूछेगा। तो मैं अपना यहाँ पर UPI पिन जो है इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कनेक्टिंग यहाँ पर दे रहा है सिक्योरली। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे अकाउंट से यहाँ पर कट चुका, ऊपर में मेरे पास मैसेज आ गया और ये देखिए ये यहाँ से आसानी से जो है पे हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ डन कर देते हैं। और ये देखिए, ये अगर आपको देखना है कि आप पे किए हैं कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर में क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पर लोन इंस्टॉलमेंट पेड यहाँ पर दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सामने वाले को जो है भेज सकते हैं। दोस्तों अब आप जान चुके हैं किस तरह से जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है EMI पे किया जाता है। तो छोटी जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट से कमेंट करके जरूर बताया। साथ ही मैं आपको बता दूं इसी तरह के बेसिक वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।